खबर शामिल करते हैं लाड़काना से जहाँ वलीद पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मनियात से करने की कोशिश नाकाम बना दी वलीद पुलिस ने दौरान चेकिंग अरब पीर और दोदाई सिम शाह के करीब कामयाब कार्रवाई करते हुए बैन अजलाई ड्रग सप्लायर ग्रोह के दो करिंदों को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार मुलजमान से रबे में रहने वाले अफराद की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना वलीद में मुकदमा छहत्तर सत्तर बटा बाईस जेर दफा नाइन सी सी एन एस दर्ज कर लिए गए हैं गिरफ्तार मुलजमान सतार मकुल मकूल का तालुक मशहूर मनियात फरोज मकूल गैंग से है वाजिर है कि गिरफ्तार मुलमान मंशियात और नजायद असला जैसे संगीन नौत के दस से ज्यादा मुकदमात में चलान हो चुके हैं खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से जहां चक्री रोड पर वाटर सप्लाई के पानी का बुरान शदत इख्तियार कर गया इस हवाले से रुख करते हैं रावलपिंडी का जहां हमारे ब्यूरो हेड शमाली पंजाब तस्वर तो मलिक आवाम में मौजूद हैं जी हम इस वक्त रावलपिंडी में यहाँ लिया कॉलोनी में मौजूद हैं यहाँ पर जिस तरह के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिया कॉलोनी के जितने वकीम हैं तो इनका यहाँ पर ये मुतालबा है कि यहाँ पर हमारा यहाँ पानी जो है तो गुज्त एक माह से मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हमें बहुत दुशारी हो रही है हमें इसके लिए टैंकर मंगवाने पड़ते हैं और इसके लिए हमें लोगों के दूसरे घरों में जाना पड़ता है जिन, जिनके जिनके घरों में बोर होता है ताकि वहाँ से हम पानी ले सकें लिहाजा हम इन इनसे पूछते हैं कि जो ये इनका मजीद क्या कहना है और इनका क्या मुतालबा है जी बसमिल रखीम हम यहाँ सब लोग जो लगे कॉलोनी वाले अशरफ कॉलोनी और एक एक दूसरा खैबान वाले यहाँ लोग सब ऐतजाज कर रहे हैं एक महीने से पानी हमारा बंद है हम इन लोगों को बिल भी देते हैं पानी नहीं आ रहा लहदा हमारा गवर्नमेंट से दरखास्त है कि पानी लोगों को बहाल किया जाए बहुत तकलीफ है औरतें रात और दिन गलियों मल्लों में घूम रही हैं कनेसर प्ला लेकर ले घूम रही हैं ताकि हमें पानी का कोई किसी के पानी है। टेंकर है जो हमें टेंकर माफिया वाले चार हज़ार तीन हज़ार से कम नहीं है तो लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमारा ये मतालबा पूरा किया जाए और ये पानी बहाल किया जाए जो बिल का मसला है हम किसी गवर्नमेंट से नहीं ना पी टी आई से हमारा एक ही मुबा है हमारा पानी बहाल किया जाए इन सब लोगों की एक है कि है गवर्नमेंट से हमारा पानी बहाल किया जाए बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग बहुत परेशान हैं ये पानी से तरस रहे हैं गवर्नमेंट खामोश बैठी है देखें भाई जिनकी गलती है उनसे गवर्नमेंट बात करें हमें क्यों सजा दे दी है आवाम को क्यों सजा दीजिए अगर ये पानी का मसला बहाल नहीं किया गया वो लोग खुद खर्ची पर मजबूर होंगे वो भूकर्ताव करेंगे रोडें ब्ला करेंगे शुक्रिया तो आपको क्या लगता है कि ये पानी जो एक महीने से बंद किया हुआ है वाटर सप्लाई ने इसकी वजह क्या है पीछे ये वजह जिसके पास जाते हैं वाटर चेयरमैन जो है उनके पास उनके पास जाते हैं उन्होंने कहा कि भाई बिजली वाटर वालों का बिल है एक करोड़ चौंतीस लाख का वो जब तक पेमेंट नहीं होगा वो मीटर उतार ले, ले गए हमने कहा भाई ये गवर्नमेंट का या पानी वालों कमेटी का मसला है अवाम क्या क्या मसला है अवाम से तो पैसे लेते रहें पैसे हर महीने में पैसे लेते रहें तो पानी क्यों नहीं हमारा बहाल किया जाए ये सात सौ रुपया हर महीने में बिल देते हैं वो पानी का मतलब सात सौ रुपया हर महीने बिल भी इनको देते हैं जी और अभी भी बिल दे रहे हैं अभी रहे हैं। भी बिल दे रहे हैं और जिन लोगों को बिल नहीं दिया जिन लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है तो उनका भी हाल निकालें आवाम सबको क्यों सजा दे रहे हैं अगर दस या बीस आदमी बिल नहीं दे रहे हैं उसके बाद हजारों से असब के लोगों को सजा दे न, उनका पानी काटा जाएगा अगर कोई इनका रूल ही तक है ही नहीं है रूल रजेशन हो कि भाई पानी किस तरह बहाल किया जाए हर महीने में कितनी दफ़ा पानी छोड़ा जाए बिल लेने वाले आ जाते हैं हर हर एक हफ्ते बाद दूसरा चेहरा नज़र आता है बिल दो बिल दो बिल आवाम देती है मगर है कि पानी नहीं दे रही पानी नहीं देंगे तो बिल कैसे देंगे ठीक हो गए जनाब बिल्कुल ठीक जी हम इस वक्त राजा शाग साहब के पास मौजूद हैं जो यहाँ पर लिया कॉलोनी और राशा कॉलोनी वगैरह जो इलाके हैं जिनके हवाले से यहाँ पर जो आवाम जो इतजाज कर रही थी तो इनसे हम पूछते हैं कि जो पानी को ये डील करते हैं और इनसे पूछते हैं कि पानी के हवाले से क्या इशूज़ हैं और उनकी क्या राय है जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बहुत शुक्रिया आपका आप लोग आए हमारे पास हमारी आवाज़ को आला इदारों तक पहुँचाने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि पी पी बारह के अंदर यह वायद यूनियन कौंसिल है जिसमें पिछले चार साल से पानी चल रहा है और अलहदुल्ला आज देख के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पिछले तीन चार साल में हमारी यूनियन कौंसिल के लोगों को पानी मिला जब हमारी गवर्नमेंट वजूद में आई तो उस वक्त यूसी मोरी गजन के अंदर एक वाटर सप्लाई पब्लिक के अंदर काम कर रही थी जहाँ के लोकल नून ली के कैंडिडेट थे उनके अंडर थी लेकिन वो चल कोई नहीं रही थी जब हमारे पास इकतदार आया हम पब्लिक हेल्थ के पास गए कि हमें ये वाटर सप्लाई ऑन करा के दें तो उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा हमने इलेक्शन हमारी टीम ने लड़ा एक सी ने इलेक्शन लड़ा वो जीते उसके बाद वाटर सप्लाई चलाने की कोशिश की तो मेरे भाई ये वो वाटर सप्लाई है जिसके अंदर एक से बढ़कर एक फॉल्ट है पहली बात की जाए तो इसकी फिज़िबिलिटी जो बनाई गई है अठारह किलोमीटर लंबी लाइन है ए थ्री टैरफ पे उसका बिजली का बिल आता है लाइन इंतई घटिया नाकस पड़ी हुई है हमने बारह हा कोशिश की है कि किसी तरीके से इसको चेंज कराया जाए या जिम्मेदारान जो उस वक्त थे उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए कोई एहतसाब किया जाए लेकिन इदारों में जा के सफाए जलालत के हमें कुछ नहीं मिला बाकी ऐसा भी ये बताया कि आवाम जी भी गए थे एक करोड़ पैंतीस हजार रुपये मैं वही आपको बताने लगा था जब लाइन है हर हफ्ते के अंदर यहाँ के जो लोग रेशिया उनको पता है कि हर हफ्ते में दो दिन बाद चार दिन बाद लाइन डैमेज हो जाती है जब लाइन डैमेज होती है तो सप्लाई मतल होती है सप्लाई मतल होती है तो हमें रिकवरी में प्रॉब्लम आती है उसमें हमें दो किस्म की परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं एक तो हमारा अच्छा खासा सरमाया उस लाइन को रिकवर करने में लगता है उसको वेल्डिंग कराते हैं उसको सेट कराने में लगता है फिर जितने दिन सप्लाई मतल रहती है फिर जब हम रिकवरी के लिए जाते हैं तो लोग हमें वहाँ पर बिल की प्रॉब्लम्स आती हैं तकरीबन तकरीबन फिफ्टी से भी बिलो रेट है हमारा जो हमारी रिकवरी रेट है रेशो इस हिसाब से है कि हम उसमें हर माह अब जैसे पिछले माह की मैं बात करूँ पाँच लाख रुपये हमारी रिकवरी हुई है और ग्यारह लाख रुपये सिर्फ वापड़ा का बेला है इसके अलावा लाइन की मरम्मत मेंटेनेंस मोटर की खराबी पैनल की खराबी लेबर की सैलरी फिर खुदाई वालों को देना उसके बाद वो लाइन को रिपेयर करना ये इतना एक इतना ये इसके अंदर एक इतना बड़ा गोरख धंधा अच्छा, बना हुआ है आ, मुझे ये बताया कि इसका हल क्या है हमारे पास इसका बेहतरीन हल था कि पहली बात तो ये थी कि हम ये लाइन तीन चार किलोमीटर चेंज करा लेते हमने बड़ी कोशिश की है वो जो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है एरिया हम उसको सेट करा लें लेकिन वो हमसे सेट नहीं हो सका फिर हमने जो इसका मेरी नज़र में सोलूशन था कि हम इसको सोलर पे करा रहे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हमसे नहीं हो अब सका। भी रही है सर अब हमें आ रही है ये बिल कोई एक रात के तो नहीं बने हैं ये एक महीने के तो नहीं है ये बिल कंटिन्यूअसली चल रही है पिछले चार साल से जब हमने लिया इसको वाटर सप्लाई को तो उस वक्त भी ये वापटा की डिफ़ॉल्ट थी लेकिन हम इसको चलाते रहे हैं कभी इंस्टॉलमेंट करा ली कभी वापडा की मेहनत कर ली देखें वास्ता भी डिफॉट पे चाह रहे पब्लिक ऐसा चाह रहे जितने गवर्मेंट के इदारे हैं वो सारे वापटा के साथ इसी तरह चाह रहे जी बहुत शुक्रिया राय साहब तो बिल्कुल जहाँ पर यहाँ पर राय साहब का ये कहना था कि इस पानी वाला जो इशू है इसको सियासत से बलए ताक रख के जो है इसको डील किया जाए इसमें किसी किस्म की सियासत न की जाए अगर किसी को इस वाले से कोई शक व छुपा है या डाउट है तो वो हमारे हवाले से इसकी चेकिंग करवा सकते हैं हमारे हवाले से एंटी करप्शन से बेशक खच तो वहाँ से पता करवा सकते हैं तो हम हर हवाले से अपने आप को पेश करने को तैयार हैं लिहाजा इस पानी को इस पानी के मसले को आवाम के लिए जो है खूसा अवाम के लिए इसको हल किया जाए और जितने जितने भी मुदरक इधारे हैं उनसे इनकी दरखास्त है कि इस इसके हवाले से फोकस किया जाए और खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से जहाँ आर पी मोहम्मद सलीम के जेर सदारत वीडियो लिंक क्राइम कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया कॉन्फ्रेंस में रीजन के चारों जिले सरबराहान ने शिरकत की जिले सरबराहान ने क्राइम की सूरत हाल और अमन के लिए इकदाम से आगाह किया आर पी ओ ने क्राइम की सूरत हाल और अमन की मजमुई कारदगी का, का जायजा लिया उनका कहना था कि मुदमत के फौरी अंदर आपको हर सूरत यकीन बनाया जाए बच्चों और खवीन के खिलाफ जरायम में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है खातन बच्चों के अगवा और उनके खिलाफ जिनसी जाराय पर बिला ताखिर कार्रवाई अमल में लाए रपोष मुलमान और इश्तियारी मुजराम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल कैंपेन चलाई जाए सूदखोरों मशियात फरोशों और नजाज अस्ला के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए कच्चा एरिया को सलमान के इलाकों में लोगों के जानमाल को हर मुमकिन तहफ़ दिया जाए रग्स यह है पहचान गुजरा वाला की